बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र के बुंडो पंचायत के गागेहाट में झोपड़ी नुमा तीन आलू गोदामों में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से गोदाम जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही मुखिया अजय कुमार सिंह, विपिन जायसवाल, अमन चावला व स्थानीय दुकानदारों के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। मुखिया अजय कुमार सिंह ने पीड़ित दुकानदारों को जीविकोपार्जन के लिए जाँच के बाद जिला प्रशासन के सहयोग मुआवजा दिलवाने का भरोसा दिया है। आग लगी हुई है, हम लोग तत्काल यहाँ पर पहुँचे और देखा कि आग काफ़ी जोरों से आग लगी हुई है। तीन तीन दुकान में आग लगा हुआ, ट्रांसफार्मर का तार जल रहा है, ट्रांसफार्मर की ओर आग बढ़ रही थी और हम लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, बालू से करके या पानी की व्यवस्था करके आग पर हम लोगों ने काबू पाया है अभी। लेकिन तब तक से बहुत सारा सामान, लगभग सारा सामान जल चुका है, ट्रांसफार्मर का तार वगैरह भी जल चुका है। आग कैसे लगी कि अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि एक बच्चा यहाँ पर सोया हुआ था, एक लड़का यहाँ पर सोया हुआ था, उसे पूरा करना होगा, अचानक आग कैसे लगी। मुखिया अजय सिंह ने बताया कि आग धीरे धीरे थोड़ी दूर में लगे ट्रांसफार्मर की तरफ बढ़ रही थी, किंतु सभी के सहयोग से एक बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया। पर बात पीड़ित दुकानदारों पर आकर रुक जाती है कि उन्हें कब अपना मुआवजा मिलेगा और नुकसान की सही सही भरपाई हो सकेगी। पंचौरा न्यूज़ के लिए बोकारो झारखंड से नरेश कुमार की रिपोर्ट।